इस क्वेश्चन के अंदर दो मासेज हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम। इस क्वेश्चन के अंदर ये इंक्लाइन प्लेन है, पर ये इंक्लाइन प्लेन पे नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे ये है ये नहीं है। मास छोटा एम बड़ा एम है, फ्रिक्शन दोनों जगह प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है और यहाँ भी प्रेजेंट है। सिस्टम रेस्ट पे है और आपको रेशियो निकालनी है एम और एन की क्या होगी। चलो अगर हम फोर्सेस ड्रॉ करें तो सबसे पहले ये रस्सी है, इसमें टेंशन टी एंड टी, टेंशन टी एंड टी, यहाँ पर भी स्ट्रिंग जो है उसमें टेंशन टी एंड टी। नीचे की तरफ कौन सी फोर्स इसको लेके आ रही है, कैपिटल एम जी साइन थीटा, ठीक है, और ये एज इट इज है, कोई डाउट इसमें। और नॉर्मल रिएक्शन अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं, ये लो इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे होगा जिसकी वैल्यू एन है, और मैं ड्रॉ नहीं कर रहा लेकिन आपको पता है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होने वाली है। और यहाँ का जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो होगा एन डैश, वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल एम जी के इक्वल होगा। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? अब पहले मुझे ये बताओ, फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगी कि नहीं करेगी? दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, बनाऊं या ना बनाऊं वेक्टर फ्रिक्शन के? बनाऊं, क्यों बनाऊं, ये कौन सा चल रहे हैं, होगी? मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बेंच रख देता हूँ, ये बेंच पड़ा है, तो इसके ज़मीन पे यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो डायरेक्शन कहाँ है बताना, इस फ्रिक्शन की बंदा बैठा है इसके ऊपर, ये लो इसकी फ्रिक्शन बताओ कहाँ है, बेंच की कहाँ पे है? देखो अगर मैं ये कहूँ ये लेक्चर स्टैंड पड़ा है, इसकी फ्रिक्शन होगी, आपको के नहीं होगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो तब होगी ना जब आप इसे कुछ फोर्स लगाओगे, तुमने इसे छेड़ा ही नहीं, जब छेड़ा ही नहीं तो अप्लाइड फोर्स क्या है, ज़ीरो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन बन जाती है, ज़ीरो ज़ीरो, कुछ ना होगा इसमें, समझ में आ रहा है? तो कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी वेक्टर में, लेकिन इनमें बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि क्योंकि ये वाला ब्लॉक कहाँ आ रहा है, नीचे, पर आ नहीं रहा, आने की कोशिश कर रहा है, नीचे बैठा है वहीं पे, आ तो नहीं रहा, जोर पूरा लगा रहा है इस फोर्स से, देखो फोर्स लग रही है कि मैं नीचे आ जाऊं, और उस चक्कर में टेंशन के थ्रू ये भी कहां मूव करने की कोशिश कर रहा है, टुवर्ड्स राइट, तो ये मानना पड़ेगा दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं, और अगर दोनों पे फोर्सेस लग रही हैं तो फ्रिक्शन लगेगी, और फ्रिक्शन का नाम क्या है यहां पर, स्टैटिक, क्योंकि स्लाइडिंग तो हो ही नहीं रही, तो कौन सा हुआ, स्टैटिक। तो लो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी टेंडेंसी मूव करने की आगे, हालांकि मूव नहीं कर रहा, टेंडेंसी चाहता है, जोर लग रहा है टेंशन की वजह से, आगे जाने की कोशिश तो कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पर क्या होगी, पीछे होगी, कितनी होगी, म्यू टाइम्स यहां का नॉर्मल रिएक्शन होगी। फिर वैसे ही अगर आप यहां की बात करें, अगर आप इसकी बात करें, इसकी कोशिश है कि मैं नीचे चला जाऊं, जा नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी फ्रिक्शन लग रही है, जिसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? इसलिए फ्रिक्शन लग रही है क्योंकि इनकी टेंडेंसी राइट मूव करने की है। और अगर मैंने ये पूछा कि एक ब्लॉक्स, एक बॉक्स जो है वो ऐसी ग्राउंड पे पड़ा है और हमने इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई, तो क्या उस पर फ्रिक्शन होगी, नहीं लगेगी फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन होगी। अब क्योंकि ये रेस्ट पे है तो फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसकी एक फोर्स राइट है और ये फोर्स लेफ्ट है, ये फोर्स भी लेफ्ट है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू, पीछे की फोर्स क्या है, टी प्लस म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे पता है यहां पर क्या है, टी प्लस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर क्या है, कैपिटल एम जी कॉस थीटा। तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई वो फॉर कैपिटल एम बनाई, तो कैपिटल एम मास के लिए ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन नंबर वन क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो नीचे की फोर्स इक्वल टू ऑपोजिट फोर्सेस, क्योंकि ये किस फोर्स से नीचे जा रहा है इससे, और कौन ऑपोजिट फोर्सेस हैं, एक टी है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो राइट की फोर्स क्या है, टी, और लेफ्ट की फ्रिक्शन, तो स्मॉल एम मास के लिए टी किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो टी विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी। क्या ये स्टेप क्लियर है? तो यहां पर टी किसके इक्वल है, एफ, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है, स्मॉल एम जी। तो तुम इस टी को उठा के यहां से यहां पुट कर दो तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा, टी की जगह म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी प्लस म्यू टाइम्स कैपिटल एम जी कॉस थीटा।
ठीक है यहाँ तक। तो टेंशन की वैल्यू नीचे से ऊपर पुट कर दी। अब यहाँ से जी जी और जी कैंसल, ठीक है। और क्योंकि मुझे वैल्यू निकालनी है कैपिटल एम और स्मॉल एम की, तो क्यों ना ऐसा करें जो इक्वेशन बची उस इक्वेशन में लेफ्ट और राइट साइड को स्मॉल एम से डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल एम एंड स्मॉल एम ऐसे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड्स को स्मॉल एम से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से स्मॉल एम कैंसिल, तो वैल्यू क्या बनेगी? कैपिटल एम बाय एम इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू प्लस म्यू इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा। ये तो मैथ स्टार्ट हो गया, फिजिक्स तो खत्म भी होगी वैसे। तो ये लो, तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली आपको क्या निकालना है? ये रेशियो निकालनी है। तो तुम एक काम करो, कैपिटल एम बाय स्मॉल एम कॉमन निकाल लो, तो साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू। थोड़ा ये कॉमन निकाल लिया लेफ्ट हैंड साइड पे लेके, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये पूरी टर्म इसके नीचे ले जाओ आंसर, ठीक है ना? ये तो कर लोगे, ये पूरी टर्म को इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आंसर आ जाएगा डन। कोई डाउट इसमें?